जैसी करनी वैसी भरनी। महाराष्ट्र में जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जो भी उनके आलोचक होते थे, सरकार पर सवाल उठाते थे, उनको उठाकर जेल में सीधे डाल दिया जाता था, चाहे वो पत्रकार हो या आम आदमी। अब जब केंद्रीय एजेंसियां उन पर काम कर रही हैं, यानी कि उनके घपले घोटाले उजागर कर रहे हैं, उन्हें जेल में डाल रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। दरअसल आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में कई बड़े घोटाले हुए, चाहे 100 करोड़ का वसूली का मामला हो या फिर दाऊद से कनेक्शन के मामले में नवाब मलिक को जेल जाना हो, और अब पात्रा चौल का जो घोटाला था लगभग 1000 करोड़ का, उसमें संजय राउत को उठाकर जेल में डाला गया है। तो सबसे पहले आप समझिए कि किस प्रकार से बड़े बड़े मंत्रियों को निशाना किया गया, यानी कि पहले जो उनके अनिल देशमुख थे, गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, उन्हें जेल में डाला गया। 100 करोड़ का जो वसूली का मामला था वो सामने आया था, सबूत गवाह मिले थे उसमें और सब कुछ सामने था, लेकिन लगातार परमवीर सिंह पर दबाव बनाया गया, फोन टैपिंग मामले में रश्मि शुक्ला पर दबाव बनाया गया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। उद्धव ठाकरे के सत्ता में रहते हुए भी वो कुछ बड़ा काम नहीं कर पाए, छोटे छोटे केस में लोगों को जेल में डालने के अलावा। उसके बाद नवाब मलिक को उठाकर जेल में डाला गया, और बीजेपी तभी से दावा कर रही थी कि नवाब मलिक के बाद संजय राउत का नंबर आएगा। मोहित कंबोज ने इस पर बकायदा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बयान भी दिया था, और अब संजय राउत का नंबर आ गया है। पात्रा चौल घोटाला जो 1000 करोड़ का है, उसमें संजय राउत को गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में रखकर ईडी उनसे पूछताछ करेगी। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर थी, संजय राउत गिरफ्तार हो चुके हैं, जैसा कि मांग जनता कर रही थी।